बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उकदा मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हैव हार्म्ड मैनकाइंड। ठीक है, ऐसे आइडियाज जो कि हार्म करते हैं मैनकाइंड को, और बर्ट्रांड रसल ने और ऑब्वियसली लिखा है इसको। पहले हमने देखा था कि रसल ने कुछ ऐसे आइडियाज बताए जो कि यूजफुल हैं ह्यूमनकाइंड के लिए, और अभी जो है वो उसके पैरेलल पे एक या उसके कंट्रास्ट में एक लिखता है ऐसे, जिसमें वो बताता है कि ऐसे आइडियाज जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो हार्मफुल है, क्योंकि रसल जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन था, ठीक है, ह्यूमनिस्ट था, ह्यूमन से मोहब्बत करने वाला था, तो ह्यूमन के लिए उसने बहुत कुछ जो फील किया उसने वो लिखा। इसी वजह से रसल को एक फिलोसोफर भी कहते हैं, क्योंकि उसकी जो फिलोसफी है वो डील करती है फॉर द वेलफेयर फॉर ह्यूमन बी। ठीक, तो रसल वॉज अ साइंटिस्ट, अ मैथमेटिशियन, अ लॉजिशियन एंड द टॉप ऑफ ऑल अ ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर, एक ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर था। ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर हिज सर्विस फॉर मैनकाइंड। ही हैज बीन कंसीडर्ड एज द मोस्ट जीनियस मैन ऑफ 20th सेंचुरी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्टर्ब हिम अ लॉट एंड आफ्टर दैट ही यूटिलाइज्ड ऑल ऑफ हिज जीनियस टू फाइंड अ बेटर एंड पीसफुल वे ऑफ लिविंग फॉर मैन। ही इज अ हार्ड हेडेड क्रिटिकल कॉस्टिक रियलिस्ट, और He is aware of the depth of the evil and stupidity to be found in the heart of the man. अच्छा, वो एक hard-headed critical critic कौन होता है? critic एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो हर चीज को different viewpoint से देखता है, critical viewpoint से देखता है। तो एक critic का क्या काम होता है कि वो उसको तनकीद की निगाह से देखता है। तो जो तनकीद करने वाला होता है वो कैसा होता है? वो हर view के हिसाब से डिफरेंट परस्पेक्टिव के तौर पे एक चीज को देखता है, एक सब्जेक्ट को देखता है। तो वो कॉस्टिक रियलिस्ट भी था, और उसको अवेयर था डेप्थ ऑफ द इवल और स्टुपिडिटी जो कि एक इंसान के दिल के अंदर होती है। मैंने कहा ना कि इंसान के पढ़े लिखे होने या ना पढ़े लिखे होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जो नेचर है वो ऐसे नहीं बदल जाती। ठीक है, वो मतलब ये डिग्री का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, नेचर नेचर होती है, डिग्री डिग्री होती है। दैट्स व्हाई ही एग्जॉस्टेड ऑल हिज एफर्ट्स टू हार्मोनाइज ह्यूमननेस एंड मटेरियल प्रोग्रेस। इसी वजह से वो क्या बताता है, वो एग्जॉस्ट करता है ऑल हिज एफर्ट, अपनी तमाम एफर्ट्स को किस पे, ताकि वो हार्मोनाइज कर सके ह्यूमननेस को और मटीरियल प्रोग्रेस को, इन चीजों को कि ह्यूमैनिटी को, ह्यूमननेस इंसानियत को और मटेरियल प्रोग्रेस, इन दोनों को हार्मोनाइज करे। यानी कि दोनों चीजें ही इंसान साथ लेके चल सकता है। देखिए, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तिजारत करना नहीं सिखाई थी? क्या पॉलिटिक्स करना नहीं सिखाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अगर इबादत सिखाई थी तो दुनिया भी जीना सिखाई थी। तो मैं तो कहती हूँ, अगर आप कभी खोल के देखे ना बुक्स, तो अगर आप इस्लाम को कभी सही तरह पढ़े, मोस्ट प्रैक्टिकल दीन है। और बर्नार्ड शॉ, ये एक बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट था, राइटर था, क्रिटिक था। इसने कहा था कि अगर मुसलमानों के जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अगर दुनिया में आ जाएं या उनके लॉज इम्प्लीमेंट कर दी जाए ना दुनिया के ऊपर, तो दुनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दुनिया से क्रुएलिटी खत्म हो जाएगी, ये उसने कहा था। तो बेटा, मटीरियल प्रोग्रेस में से किसी ने नहीं रोका हमें, तो खुद कहा गया दुनिया रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतुआ फिर आखिरती हसनतुआ फिना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने दुनिया जीने से नहीं रोका, लेकिन अल्लाह ताला ने हसना दुनिया के साथ हसना आखिरत की का भी वो तसव्वुर किया। और एक इंसान नेक हो ही नहीं सकता जब उसके दिल में या खौफ ना हो अल्लाह का, जवाबदेही का तसव्वुर ना हो। जैसे अब हम एम इंग्लिश की क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि हमें आगे जाके इम्तिहान देने हैं ना, तो ये भी तो एक इम्तिहान ही है ना जो आगे जाके हमने आंसर कर। ठीक, तो सेकेंडली डेली का तस्किया ना, तो ये आपको जो है एक बैलेंस क्रिएट करता है इंसान के अंदर, कि उसके अंदर ह्यूमननेस भी आती है, मटेरियल प्रोग्रेस भी आती है। इन हिज एसेज आइडियाज दैट इज हार्म मैनकाइंड, रसल डिस्कस दो सेट्स ऑफ द डे व्हिच प्रूव्ड हार्मफुल इन द पास्ट एंड कुड हार्म अगेन इफ दीज आर नॉट चेक्ड क्विकली। और फिर जो है अपने एसे में जो कि आइडियाज उसने जो एसे लिखा था आइडियाज दैट इज हार्म मैनकाइंड, रसल डिस्कस करता है उन सेट ऑफ बिलीव्स को। सेट ऑफ बिलीव्स क्या होते हैं? जो एक सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर जाते हैं, इसको कहते हैं सेट ऑफ बिलीव, जो कि प्रूव्ड हैं कि वो हार्मफुल भी रहे इन द पास्ट और अगेन वो हार्म कर सकते हैं इंसानियत को।
इन द फॉर्म ऑफ जंगे एंड इम्पीरियलिज्म एंड सो ऑन, इफ दोज आर नॉट स्ट्रिक्टली चेक, अगर हमने इसको चेक ना किया तो, अकॉर्डिंग टू रसल ह्यूमन मिसफॉर्च्यून्स आर ऑफ टू टाइप, दोज विच आर इंफ्लिक्टेड बाय नॉन ह्यूमन नेचर. दो तरह की मिसफॉर्च्यून्स होती हैं, एक वो जो कि नॉन ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि नेचर से इंफ्लिक्ट होती हैं, ठीक है, थ्रू नेचर. फॉर एग्जांपल मेरी किस्मत ही खराब हो गई, ठीक है, एक इंसान उसको उसकी मतलब डिफरेंट उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, हम एक सोसाइटी के अंदर इंट्रैप हो जाते हैं, किसी ऐसी जगह शादी हो जाती है एंड सो ऑन, जो भी नेचर की तरफ से जो एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, कोई बीमार हो जाता है, तो वो क्या होता है कि इंसान की जो मिसफॉर्च्यून होती है वो दो तरह की होती है, एक तो वो जो एनवायरनमेंट नॉन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, दूसरा विच ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ इन्फ्लिक्ट ऑन वन अनदर. एक तो या तो हम इंट्रैप हो जाते हैं बाय किस्मत के हाथों, हम मजबूर हो जाते हैं, नंबर दो जो है दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हमारे ऊपर इन्फ्लिक्ट कर देते हैं, ठीक, यानी कि दूसरे लोग हमारे ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं या हमें मतलब किसी तरीके से सुप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्रुएलिटी बेस्ड जो भी चीजें होती है. रसल इज ऑफ द व्यू दैट, देखिए बेटा, एक होता है किस्मत के हाथों, किस्मत में अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो भी चीज है वो हजम हो जाती है, लेकिन कोई और बंदा जब आपको नुकसान पहुंचाता है फॉर नॉट एनी रीजन, कोई आपको इवन प्रोफेशनल लाइफ में लोग आपकी टांग खींचते हैं या जो भी है, तो फिर आपको बड़ा एक आपके लिए ये मिसफॉर्च्यून हो जाती है, ठीक है. तो रसल इज ऑफ व्यू दैट विद द प्रोग्रेस ऑफ द मैनकाइंड, the misfortunes which people inflict on each other and on themselves have greatly been increased than the misfortune caused by non-human beings. ठीक है, अब वो कहते हैं कि भाई दो तरह की हैं misfortunes. एक तो non-human environment यानी कि जो nature की तरफ से इंसान के साथ होती है, जो किस्मत आपकी है, ठीक है, आप गरीब घर में पैदा हुए, आपके parents जो हैं वो supportive नहीं थे, या आगे गए तो support नहीं मिली, या so on, जो भी, ठीक. तो दूसरी होती है कि भाई जो लोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं ऑन वन अनदर, ठीक है. तो वो कहता है कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही, उसका ये व्यू था कहने का, देखिए आज हम एक प्रोग्रेस वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, हम वो गारों में नहीं रहते, अब हम पक्के मकानों में रहते हैं, हम कच्चे घरों में भी नहीं रहते, ठीक है, हम अब प्रोग्रेस कर गए. रसल का ये कहना है कि प्रोग्रेस के साथ विद द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड ये जो मिसफॉर्च्यून्स हैं जो लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लिक्ट करना शुरू की, और अपने ऊपर हम खुद भी अपने ऊपर मिसफॉर्च्यून इन्फ्लिक्ट करते हैं, बताऊंगी कभी किसी दिन, हैव ग्रेटली बीन इंक्रीज देन द मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नॉन ह्यूमन वेज, वो इतनी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई देन मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नॉन ह्यूमन वेज. अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे जो हमारे साथ करते हैं वो तो चले एक है, वट आर द दोज जो हम अपने ऊपर खुद से इन्फ्लिक्ट करते हैं, हम अपने आप को खुद बाज़ुकात अज़ियत देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बाज़ुकात खुद चीज की जरूरत नहीं होती लेकिन उसके अंदर पड़ जाते हैं, ठीक. तो फॉर द फ्यूचर देयरफॉर इट बी टेकन फॉर मैम, जी जी, फॉर द फ्यूचर देयरफॉर इट बी टेकन फॉर ग्रांटेड दैट मच द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवल्स दैट मैन हैज टू कंसीडर आर दोज व्हिच दे इन्फ्लिक्ट अपॉन ईच अदर थ्रू स्टुपिडिटी और मैलवोलेंस. और वो ये कहता है कि फॉर फ्यूचर देयरफॉर इट, इसको फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है. जैसे आजकल हम देखते हैं लोग किसी और के साथ कुछ करते हैं, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरा मसला थोड़ी है, इन दोनों का मसला है, खुद ही सॉल्व करें, ठीक, हमें क्या कहा गया है, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, ठीक है. और हम किसी को मना नहीं करते कि देखो ऐसे गाली मत दो, गलत बात है, ठीक है, करते हैं हम ऐसे, नहीं करते जी, मेरा इससे क्या कंसर्न है, ठीक है, अगर वो इस बंदा उस खातून के साथ ऐसे कर रहा तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. तो हमने इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया. और जब आप बेटा, बुराई उस वक्त फैलती है जब नेक इंसान चुप कर जाते हैं और वो बुराई को मना नहीं करते. अगर हम मना नहीं करेंगे तो फॉर ग्रांटेड ले लेंगे इन सारी चीजों को, तो फिर यही होना है जो आज हो रहा है दुनिया में, खाना जंगी होगी, अंदरूनी खाना जंगी होगी, क्योंकि किसी को किसी से कंसर्न नहीं है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, अगर इस फॉर द फ्यूचर इट मे बी टेकन फॉर ग्रांटेड, हो सकता है इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाए, दैट मच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवल्स दैट मैन हैज टू कंसीडर, कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवल्स जो कि मैनकाइंड को कंसीडर करने चाहिए, हम लोगों को कंसीडर करने चाहिए,
आर दोज विच इन्फ्लिक्ट अपॉन ईच अदर, हम एक दूसरे के खिलाफ जो चीज कर रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, थ्रू द स्टुपिडिटी और मैलवलेंस और बोथ, थ्रू स्टुपिडिटी मैलवलेंस या बोथ, ठीक है। उखरे जतले नासी ताम उन्होंना बिल मारूफी वतन हाउ नानिल मुनकर, हमने इस उम्मत को इसलिए निकाला ताकि नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। और आगे अल्लाह ताला ने वही सुनाई, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, हम तुमसे कमतर लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने वही सुनाई है। आज हमारे पास टाइम नहीं है बुराई को रोकने के लिए, आज हमारे पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को ये कहने के लिए बेटा ये चीज नहीं देखो गलत है, ठीक है। आज हमारे लिए वी नेवर एवर कंसर्न, ठीक है। आज मेरी दो फ्रेंड्स में दो जो है लड़ाई हो जाती है, मैं बजाय इसके उसमें सुलह करवाऊं या एक को समझाऊं कि भाई तुम ऐसे नहीं करो, मैं कहती हूँ सो व्हाट अगर ये दोनों कर रही हैं। तो ना हम सही को सही कहते हैं ना हम गलत को गलत कहते हैं, तो इससे क्या होगा फाइनली दुनिया के अंदर वायलेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कि जैसे हम ये कह दें कि जी मैं नवाज शरीफ की पार्टी की हूँ तो नवाज शरीफ जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, और दूसरा इमरान खान की पार्टी का वो कहता है जो इमरान खान कर रहा है, दुनिया नवाज शरीफ इमरान खान की नहीं है भाई, ये दुनिया अल्लाह की है, ठीक है। ये दुनिया इंसानों के लिए बनी है और इस दुनिया के अंदर इंसाफ कायम करने के लिए ये जरूरी है कि आप लड़े झगड़े नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक दफा ये जरूर कह दें कि बेटा ये नहीं करो ये गलत बात सही और ये चीज ठीक है ये कर लो। आगे वो कहता है मूविंग फॉरवर्ड ही सजेस्ट दैट आइडियाज आर एथिकली न्यूट्रल। अब वो आगे जाते हुए वो ये कहता है कि आइडियाज जो है वो एथिकली न्यूट्रल होते हैं एंड दीज आर ह्यूमन पैशन, ठीक है। और वो ह्यूमन पैशन होते हैं जो एथिकली न्यूट्रल होते हैं आइडियाज, वो पैशन होते हैं विच मेक देम गुड और बैड, ये हमारे पैशन होते हैं जो हमें गुड और बैड बनाते हैं। मशहूर होने का पैशन है जी एक बंदे को, खपत है वो, जब उसको मशहूरी उसके दिमाग में आ जाएगी ना, अब वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं मशहूर हो जाऊं सारी दुनिया को मैं इसकी जो है ना टांगे खाए तो बस, वो कभी एक जगह प्रोपेगेंडा करेगा कभी दूसरी जगह प्रोपेगेंडा करेगा, कभी दुश्मन के दुश्मन को भी दोस्त बना लेगा, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, तो वो पॉलिटिक्स खेलेगा, दैट इज अ बैड पैशन, ठीक है। हर चीज का आगे जाने का खप, पैशन अच्छी बात होती है लेकिन पैशन का खपत बुरा होता है, ठीक है। पैशन होना बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पैशन भी चेक करने चाहिए। वो कहता है पैशन अच्छे और बुरे होते हैं, रसल थिंक दैट यूजुअली पैशन रुइन आइडियाज, और बाज़ औकात जो हमारे पैशन होते हैं वो हमारे आइडियाज को रुइन कर देते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट किताबें पढ़ते हैं लेकिन बाज़ औकात इंसान अपने पैशन के पीछे इतना भागता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारता है, ठीक। इवल पैशन क्रिएट फॉल्स इरेशनल बिलीव्स एंड आइडियाज, और ये जो इवल पैशन होते हैं हमारे वो फॉल्स इरेशनल बिलीव्स और आइडियाज क्रिएट करते हैं। जिस बंदे ने नहीं माननी ना बेटा, उसने नहीं मानना कि वो गलत है, ठीक है। और वो क्यों है इस तरह, क्योंकि वो फॉल्स बिलीव्स इरेशनल आइडियाज अपने पैशन के पीछे लग के बना चुका होता है। आप ऐसे बंदों को कभी समझा के देखें, वो कहेगा अच्छा सारा कुछ करने के बाद भी ऐसे लोग क्या कहते हैं, और जी मेरा कसूर क्या है, उनको सारी बात भी समझा दें कि देखिए आप ऐसे नहीं ऐसे कर लेते या वैसे नहीं, नहीं जी फिर भी मेरा कसूर क्या है, कसूर तो दूसरे का ही है और मैंने किया क्या है, ठीक है। ऐसी ऐसे हमें अल्फाज सुनने को मिलते हैं। रीजन उनके जो इवल पैशन होते हैं ना, उनके अंदर एक फॉल्स इरेशनल बिलीफ क्रिएट कर चुके होते हैं, क्योंकि पैशन है ना, खपत है ना। जब इंसान इस तरह से खप्त हो जाता है ना किसी चीज का, तो बेटा फिर आप समझ लें कि बंदा आधा पागल हो गया, और जिसके अंदर खप्त होता है ना आप समझ लें उसकी अकल पे भी पर्दे पड़ जाते हैं, उसकी आंखों पे भी पर्दे पड़ जाते हैं, फिर वहां पे डिग्री काम नहीं आती। कभी किसी बंदे को बेटा डिग्री से जज ना करें, कभी भी डिग्री से जज ना करें, ठीक है। यकीन करें बहुत सारे मैट्रिक पास हैं, बड़ी अच्छी सोच के मालिक होते हैं और बड़े हम्बल होते हैं, बड़े तरीके से बात करते हैं, ठीक, फॉर देयर आउटलेट, ठीक है। और क्या होते हैं उनके जो इवल पैशन होते हैं वो फॉर इरेशनल बिलीव और आइडियाज जो है वो क्रिएट करते हैं फॉर देयर आउटलेट, उनकी आउटलेट के लिए, ठीक है, ताकि वो उन पैशन को इवल पैशन को हासिल कर सकें, ठीक है। दीज इवल पैशन डिस्गाइज देमसेल्फ्स इनटू फॉल्स बिलीव्स एंड द कॉज हार्म एंड डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमैनिटी, और ये इवल पैशन डिस्गाइज करते हैं
themselves, अपने आप को फॉल्स बिलीफ में, ठीक, और दस कॉज हार्म एंड डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमैनिटी. तो क्या होता है उससे, देखिए बेटा, इंसान फजूल में एक बंदे को समझ ले कि ये मेरा दुश्मन है, उसको वैसे ही लगने लग जाएगा ये हर वक्त मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता रहता है कि यार जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये व्रत की जाए तमाशा नहीं है कि किधर लगे हुए हैं ये लोग. ठीक, तो क्या होता है कि वो उनके दिमाग के अंदर ना एक फतूर आ जाता है और फिर उनके फॉल्स बिलीव हो जाते हैं, उनके गुमान ही खराब हो जाते हैं, उनको अच्छा बंदा भी फिर ऐसे लगता है कि यह जरूर. और एक और चीज ये होती है कि बेटा जब हम खुद, हमारा अपना दिल मैला है ना, हमें लगता है सबका दिल मैला, ठीक है, हम जैसे खुद है, क्यों, रीजन हमारी फॉल्स बिलीव होते हैं एंड दस कॉज हार्म एंड डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमैनिटी. और फिर हम क्या करते हैं, हार्म करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं ह्यूमैनिटी को. इन एग्जाम्पल टू दिस नोशन, रसल गिव्स द साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ मॉब्स, मक्खियों का छत्ता, ठीक है, कोई वैसे ये तो यहाँ पे बात हो रही है, हम पंजाबी में कहते हैं अगर कोई बंदा बहुत लड़ाका हो ना, जो पलट के जवाब देने वाला हो, और तो हम कहते हैं कि भाई ये इस बंदे ने ना वो मक्खियों के छत्ते को हाथ लगा दिया, वो इस बंदे को छोड़ेगी नहीं, ठीक है. तो ये पंजाबी का एक वो है, और ये देखें इंग्लिश में भी वो कह रहा मॉब्स, मक्खियों का छत्ता, शहद की मक्खी का छत्ता, उसकी तरफ बट्टा फेंके ना कभी, पत्थर फेंके ना कभी मक्खियों के छत्ते पे, क्या होता है सारी मक्खियां पीछे पड़ जाती हैं और उस बंदे को चिपट जाती है ना. तो वो यहाँ पे वही कहता है, वो देखे इन एग्जांपल टू दिस नोशन, रसल गिव्स द साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ मॉब्स ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्पेनिश इंक्विजिशन. मॉब्स कहते हैं बेटा ये जो जोग दर जोग सिपाही, ये जो स्पेनिश मॉब्स होते थे, ये बहुत सारे सोल्जर्स होते थे ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्पेनिश इंक्विजिशन, जो कि हमला करते थे उन मॉब्स का, उन कबाइल का. एट दैट टाइम हेरेटिक वॉज बर्न, और जो हेरेटिक होते थे उनको जला दिया जाता था एज अ राइट के साइड, ठीक है. हेरेटिक कौन होते थे, जो कि रिलीजन को जो है वो रिलीजन के खिलाफ कुछ गलत कह देते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रूनो ने कहा था कि पूरी दुनिया, उसने ये डिस्कवर किया था कि पूरी दुनिया जो है वो अर्थ के गिर्द नहीं सन के गिर्द घूम रही है, ठीक है. तो जो क्रिश्चियन चर्च था, रोमन चर्च था, उसने जो है ब्रूनो को जला दिया था कि ये हेरेटिक है, ठीक है, ये इसने दीन के खिलाफ बगावत कर दी है, क्योंकि ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा. तो जो चीज बाइबल के खिलाफ होती थी वो लोग उसको जला देते थे. बट अकॉर्डिंग टू रसल इट इज बिकॉज ऑफ देयर क्रूअल इंपल्स ऑफ वॉचिंग द स्ट्रगल ऑफ बर्नड मैन फॉर लाइफ. लेकिन रसल ये कहता है ये उनकी क्रूअल इंपल्स है कि वो वॉच करते हैं द स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग स्ट्रगल और ऑफ बर्नड फॉर लाइफ, कि भाई देखिए इंसान जब बुराई देखता चला जाता है तो इम्यून हो जाते हैं, हम रोज देखते हैं अच्छा फलानी जगह धमाका हो गया धमकानी. तो ये क्या है, ये हमारी एक क्रूअल इम्पल्स है कि हम देख रहे हैं अच्छा ठीक है गलत हो रहा है तो फिर सो वॉट, ठीक है, हमने क्या करना शुरू कर दिया. रसल ने क्या कहा था, हम इसको मतलब बिल्कुल ही बॉदर ही नहीं करते इन चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को, कि एक चीज गलत हो रही है और हम उसको रोकते नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तो वायलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, वायलेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी. जैसे मैंने कहा कि बुराई इस वजह से नहीं फैलती कि अच्छे इंसान कम हो गए या बुरे इंसान ज्यादा हो गए, बुराई इसलिए फैलती है क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है ना वो बुरे इंसान को बताता नहीं है कि तुम बुरे हो. वो बुरा इंसान तो बेचारा हो, शायद उसकी अक्ल पे पढ़ते पढ़े पढ़ चुके होते हैं, लेकिन क्या फ्रेंड्स इसलिए नहीं होते कि मोमिन मोमिन की ढाल है, ठीक है. तो रसल थिंक दैट दिस वेरी इंपल्स इज आल्सो इन्वॉल्वड इन पीपल्स जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर्स. और रसल ये सोचता है, उसका ये कहना है कि ये वेरी इंपल्स जो है इन्वॉल्व है कि लोग जो है फिर जस्टिफाई करते हैं ऑफ वॉर. हम लोग लड़ते भी हैं, फसाद भी क्रिएट करते हैं और फिर हम साथ जस्टिफिकेशन भी देते हैं, सही. तो ये चीजें हैं. और जब उनसे कहा जाता है, वो कुराने मजीद में ना कि जब उनसे कहा जाता है कि दुनिया में फसाद नहीं मचाओ, तो वो कहते हैं कि हम फसाद थोड़ी मचा रहे हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं. तो ये फसादी लोगों की निशानी है कि जब उनको कहा जाता है कि नहीं फसाद करो, तो वो कहते हैं हम फसाद नहीं कर रहे, हम तो इस्लाह कर रहे हैं. तो रसल कहता है कि पीपल हु आर विगरस एंड ब्रूटल ऑफन फाइंड वॉर एंजॉयबल, ठीक है. ऐसे लोगों के लिए जो विगरस और ब्रूटल होते हैं, उनको उनके लिए वॉर बड़ी एंजॉयबल होती है
provided that it is victorious war and there is not much interference with rape and plunder. Russell believes that man is outcome of evolution. ठीक है, इंसान जो है वो आउटकम है किसका? एवोल्यूशन का. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपको पता है ना क्या थी, कि कहा जाता था कि इंसान जो है पहले वो कोई बंदर था, फिर वो पता नहीं क्या बन गया, करते 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 फिर हम इंसान बन गए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से. तो वो ये मानता था देयरफॉर इनिशियली ही हैड एन इंपल्स ऑफ क्रुएलिटी एंड ड्रुएलिटी. तो वो ये कहता है कि इंसान के अंदर एक जानवर आज भी है, क्योंकि इंसान तो पहले जानवर हुआ करता था. ठीक है, तो उसके अंदर क्रुएलिटी और ब्रुटैलिटी इन बॉन्ड फॉर ही वॉज देन वाइल्ड एंड ब्रूटल, क्योंकि दौरे कदीम में वो कहीं ब्रूटल और वाइल्ड हुआ करता था, जानवर हुआ करता था. बट नाउ ही हैज ट्रांसफॉर्म टू अ सिविलाइज मैन एंड दैट इम्पल्स हैज नाउ डिस्गाइज अंडर वेरियस बिलीव्स एंड आइडियाज. बट नाउ उसने क्या किया, वो ट्रांसफॉर्म किया टू अ सिविलाइज मैन, वो एक सिविलाइज मैन बना. और ये कि दैट इम्पल्स हैज नाउ डिस्गाइज, और ये इम्पल्स उसने डिस्गाइज किया अंडर वेरियस बिलीव्स एंड आइडियाज. तो ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ द इनिशियल ऑपोजिशन ऑफ द यूज टू एनेस्थेटिक्स फॉर वीमेन इन ऑपरेशन. और वो ये एग्जाम्पल देता है एक इनिशियल ऑपोजिशन ऑफ द यूज ऑफ के औरत के लिए जो एनेस्थेटिक्स ऑपरेशन के जरिए जिस तरीके से उसको बेहोश कर दिया जाता है. तो ये जो है नाउ ही है उसने वही जानवर अब सिविलाइज मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया है. और ये जो इम्पल्स है वो डिस्गाइज है वेरियस बिलीव्स एंड आइडियाज के. जैसे एक औरत को एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर दिया जाता है ना, हम लोगों के लिए ये ब्रूटैलिटी क्रुएलिटी वायलेंस मायने नहीं रखती. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, जब क्यामत करीब आ जाएगी ना तो इंसान बुराई को बुराई नहीं समझेगा. और ये ईमान की सबसे कमतर दर्जा है कि आप दिल से बुरा जानो. अब तो हम दिल से भी बुरा नहीं जानते, अब हम कहते हैं सो व्हाट, ये तो सभी करते हैं, है कि नहीं, ये तो सभी करते हैं, फिर क्या हो गया. ऐसे ही है ना, हम गलत भी करते हैं और फिर कहते हैं सभी करते हैं तो मैं भी कर रही हूँ तो क्या हो गया. तो हमने तो दिल से भी बुरा जानना छोड़ दिया. अब वो यही कहता है, वो कहता है वो जो इंस्टिंक्ट है ना एनिमल इंस्टिंक्ट, वो हमारी आप ऐसे समझ लें हम इसलिए उस एनिमल इंस्टिंक्ट को बुरा नहीं जानते. जैसे एक औरत को एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर दिया जाता है ना, हमारी भी ये जो हिस है ना अच्छाई और बुराई के दरमियान तफरका करने वाली, वो खत्म हो गई. बेटा हक हक ही होता है और कुफर कुफर ही होता है. ठीक है, इन दोनों के दरमियान नो कॉम्प्रोमाइज. ठीक, वो है ना शेर, मोमिन है तो क्या है वो शेर है कि हो हल्का है यारा तो है रेशम की तरह नाम, बज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन. ठीक है, हल्का यारा होता है तो मोमिन जो होता है ना बड़ा नरम होता है, दोस्तों में वो बड़े तरीके से बैठता है, दोस्तों पे मार मिटने को तैयार हो जाता है. लेकिन हक व बातिल की बात आती है तो मोमिन फौलाद हो जाता है. ऐसे इंसान को मोमिन कहते हैं, हमें तो फर्क ही कोई पड़ता नहीं. ठीक है, तो रसल क्या कहता है, द रियल कॉज बिहाइंड द बिलीव्स दिस बिलीव इज मैन इनबॉर्न क्रुएलिटी. इंसान इनबॉर्न जानवर ही पैदा हुआ है. ठीक है, हमारे अंदर जानवर की हिस है. तो एज इट इज सेड अ डॉग अ वाइफ अ वॉल एंड अ वॉलनट ट्री द मोर यू बीट देम द बेटर दे बी. वो कहता है एक डॉग एक वाइफ और एक वॉलनट ट्री, जितना ज्यादा आप इसको बीट करेंगे उसको मारोगे उतना ही वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा. यानी कि इंसान जो है उसको जितनी ज्यादा लगाम दी जाए वो उतना ही बेहतर हो जाता है. एन अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस क्रुएलिटी इज द एटीट्यूड टुवर्ड एन इनसेन. इनसेन कहते हैं एक पागल इंसान को. ठीक है, जो कि अपने दिमागी जो ताकत होती है उसकी या हिस होती है वो खत्म हो जाती है. ठीक है, पागल इंसान को कहते हैं. पीपल प्रिज्यूम दैट इट इज द होल्ड ऑफ सम इवल स्पिरिट. ऐसे लोग जो पागल हो जाते हैं या जिनको फिट्स पड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई इसके ऊपर जिन हो गए, वो कहता है लोग कहते हैं कि इसके ऊपर इवल स्पिरिट है. दैट मेक्स अ मैन मैड एंड व्हेन अ मैड मैन इज बीटन द पेन इज फेल्ट बाय द इवल स्पिरिट. और जब इस बंदे को मारा जाता है पागल इंसान को, तो वो जो इवल स्पिरिट है वो उसकी पेन फील करते हैं. रसेल सेज इन परस्यूट ऑफ दिस ओपिनियन लुनेटिक्स वर ट्रीटेड फॉर इयर्स ऑन एंड. आपने कभी वो देखे होंगे लुनेटिक्स भी, बेटा वो जो बच्चे होते हैं इन बॉन्ड जो पागल पैदा होते हैं या उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होता, उनको लुनेटिक्स कहा जाता है. आपने देखा होगा वो बच्चे होते हैं ना जिनके सर थोड़े छोटे होते हैं, उनको लुनेटिक्स कहा जाता है. आपने देखे होंगे जैसे अक्सर मजारों के बाहर ऐसे लोग अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं.
ठीक है, और वो लुनेटिक्स वहां पे बहुत ज्यादा, और मुझे बड़ा तर्स आता है कि इनके पेरेंट्स ने क्यों इनको यहाँ मजारों पे छोड़ा। वो पागल बच्चे होते हैं जो पैदाइशी पागल होते हैं, और लोग उनको मजारों पे छोड़ के चले जाते हैं, खास तौर पे जो गरीब तबका होता है। तो वो जो है लुनेटिक्स को फॉर द ट्रीटेड ईयर्स जो है वो किस तरह से सिस्टमेटिक एंड कॉन्साइटस ब्रुटैलिटी, उनको चेन्स में बांध दिया जाता है। ठीक है, उन लुनेटिक्स, उन ऐसे बच्चों को जो इस तरह के पैदा होते हैं उनको चेन्स में बांध के रखा जाता है। ठीक है, रसल बिलीव दैट पीपल आर डिस्गाइज देयर इवल पैशंस इन रिलीजियस डॉक्ट्राइन, और फिर लोग जो है डिस्गाइज करते हैं अपने इवल पैशंस को इन रिलीजियस डॉक्ट्राइन। रिलीजियस डॉक्ट्राइन में बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, ठीक है, और इस तरह से तो वो एक भेस बदल के और ये सारी चीजें बात करते हैं। ह्यूमन सेक्रीफाइस टू इंक्रीज फर्टिलिटी इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ बिग पैशन हिडन बिनेट सम रिलीजियस फेथ, और ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है टू इंक्रीज फर्टिलिटी के, पहले आपको पता है कि लोग जो है वो बलि देते थे ताकि जमीन की फर्टिलिटी जरखेज हो जाए जमीन, तो छोटे छोटे बच्चों को या जवानों की बलि दी जाती थी जब न्यू क्रॉप्स जो है वो ग्रो करनी होती थी। ठीक है, उनको जिबा किया जाता था। तो वो एक क्लियर एग्जाम्पल है ऑफ विच पैशन हिडन बिनेट सम रिलीजियस फेथ। उनका एक रिलीजियस फेथ था कि भाई बलि देंगे तो हमारी फर्टिलिटी जमीन की ज्यादा हो जाएगी, जमीन ज्यादा जरखेज हो जाएगी तो हमें क्रॉप्स भी ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि पहली कौमों के जो पहले जमाने में जो कमाने का तरीका था वो तो जरात ही था ना, एग्रीकल्चर था। तो जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर उतना ज्यादा जो प्रोस्पेरस होता था, मुल्क होता था। टू अ रेशनल मैन, आज का जो इंटेलेक्चुअल मैन है, सच थिंग्स आर नॉट बोर्न देन सुपरस्टिशन, हमारे लिए ये सुपरस्टिशन से ज्यादा कुछ नहीं है। रसल थिंक दैट इट इज द डेथ विच मेक्स एस्केटिक्स टू लीव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। वो कहता है कि ये डेथ विश है जो कि एस्केटिक्स को मजबूर करती है कि वो ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ को छोड़ दें एंड लिव अ लाइफ ऑफ सेल्फ टॉर्चर, और वो एक सेल्फ टॉर्चर की लाइफ गुजारे। व्हेन अ मैन टॉर्चर्स हिमसेल्फ ही फील्स दैट इट गिव्स हिम राइट टू टॉर्चर अदर्स। जब एक इंसान अपने आप को टॉर्चर करता है तो उसको लगता है कि वो बाकियों को भी टॉर्चर कर। देखें बेटा, एक चीज याद रखें, जो खुद मेंटली जिसकी टॉर्चरस नेचर होगी ना, वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा। जो अपना हाथ काट सकता है वो किसी दूसरे इंसान को भी, वो समझेगा कि भाई ऐसे ही ठीक है। ठीक है, और इस तरह के कई केसेस आप टीवी पे देखते होंगे, साइको साइको केसेस आपको नजर आते होंगे। ठीक है, तो जो इंसान खुद को नुकसान पहुंचा सकता है वो किसी और को भी टॉर्चर कर सकता है, एंड इंक्लाइन हिम टू एक्सेप्ट एनी सिस्टम ऑफ डॉगमा विच हिज राइट इज फोर्टिफाइड, और वो अपने आप को इंक्लाइन कर सकता है अपने आप को कि वो किसी भी सिस्टम ऑफ डॉगमा का पार्ट बन जाए। ठीक है, किसी डॉगमा कहते हैं किसी तकियानुसी ख्याल का पार्ट बन जाना, बाय विच दिस राइट इज फोर्टिफाइड, जिससे उसको ये राइट मिल जाए कि वो लोगों को टॉर्चर कर सकता है। ठीक है, बाज़ोकात आप देखें, वो कहते हैं ना अथॉरिटी करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्यूटली, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, मैंने ऐसी ऐसी मदर्स को देखा है जो अपने शोहर का गुस्सा अपने बच्चों पे उतारती है कि नहीं है। इवन हम लोग भी, हम सबके लिए अच्छे हैं, हम सबके लिए अच्छे हैं, अपने बच्चों के लिए हम बहुत बुरे हैं। सिंपली मैं आई हैव सीन मैनी होम्स, बाहर हम निकलते हैं बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, माएँ घर में थकी हुई आती है, बच्चों को, बच्चों तुमने मुझे खबरदार अगर तंग किया, क्या उस बच्चे का हक नहीं है? आपने सबसे बात की, आपने स्कूल में पढ़ाया, आपने 30 बच्चों को, 30 क्या, आपने 100 बच्चों को, 60 बच्चों को, 1000 बच्चे को पढ़ाया होगा, लेकिन आपके जो 2 बच्चे घर में आपका इंतजार कर रहे हैं सुबह से कि आज मेरी माँ आएगी मुझे गले लगाएगी। ठीक है, और माँ घर आती है वो इतनी एग्जॉस्टेड होती है कि खबरदार अभी मेरे से कोई बात ना करे, है कि नहीं? तो और देयर मैनी, कल मैंने खबरों में देखा कि एक फादर ने, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही थी, फादर ने अपने बच्चे को पटक के जमीन पे किल कर दिया। तो व्हाट इज दिस? ठीक है, कि जिसकी टॉर्चरस फीलिंग वो होती है वो दूसरों को भी टॉर्चर कर सकता है, और जब एक इंसान को पावर मिलती है ना, वहां से पता चलता है इसकी नेचर कैसी है। ठीक है, हम अपनी अथॉरिटी के हिसाब से जो है बिहेव कर। ठीक है, और नवाज शरीफ को तो कोई उसके सामने जाके, या वजीर आजम के सामने, या बॉस के सामने जाके, या प्रिंसिपल के सामने जाके तो कोई गाली नहीं देगा ना। हमारे बच्चे बेचारे कमजोर होते हैं, ठीक है, मियाँ का गुस्सा भी बेचारे बच्चों में निकल जाता है बाजू का।
ठीक है, तो हमारे हम खवातीन के पास तो यही अथॉरिटी रह गई कि सारा गुस्सा छोटे बच्चों में निकाल देते हैं, कभी कभी कुट भी लग जाती है बच्चों। ठीक, तो ये क्या है, दिस इज द अथॉरिटी। ठीक है, ये अभी मैं छोटी अथॉरिटी की बात कर रही हूँ जो हम औरतों को मिली है। अभी इससे बड़ी किसी को मिल जाए तो वो क्या करेगा। तो रसल ऑल्सो सजेस्ट दैट अ कम्युनिस्ट इज जस्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस थॉट। फॉर कम्युनिस्ट थिंक दैट दे आर चोजन पीपल ऑफ गॉड। कम्युनिस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि ऊपर जिनके हाथ में सब कुछ होता है, वो समझते हैं कि हम चोजन पीपल आर गॉड के, हु हैव टू एलिमिनेट इवल फ्रॉम द अर्थ। देयरफॉर इन दिस केस डेथ इंस्टिंक्ट स्प्रेड इन ऑल ओवर ह्यूमैनिटी। तो इस केस के अंदर कॉम्युनिस्ट एक ऐसा जिसे कहना चाहिए एक ऐसी सोच है कॉम्युनिस्ट की, तमाम अथॉरिटी एक ग्रुप के पास आ जाती है। अब वो ग्रुप जो मुल्क के ऊपर अप्लाई करता है ना वही चलता है, और कॉम्युनिस्ट कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ बस वही ठीक है, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। ठीक है, तो सारी चीजें जैसे पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो यहाँ पे कम्युनिस्ट नहीं है, यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम है कि अवाम की बात सुनी जाती है। कम्युनिस्ट में ऐसे नहीं होता, कम्युनिस्ट में एक ही अथॉरिटी होती है उसके ऊपर उनके पास सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक गॉड कि वो चोजन पीपल है गॉड के और वही जो कुछ कर सकते हैं सो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रसल प्राइड इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल आइडियाज दैट डैमेज मैनकाइंड ग्रेटली। ठीक है, इल्म का तकब्बुर सबसे बुरा तकब्बुर है, पैसे का तकब्बुर तो बुरा है ही है, इल्म का तकब्बुर बेटा बहुत बुरा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रसल प्राइड जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल आइडियाज हैं जो कि डैमेज करते हैं मैनकाइंड को ग्रेटली। प्लाटो सेज ऑल मैन बाय नेचर इक्वल मेड, वो कहता है प्लाटो कहता है तमाम इंसान बराबर है, बट वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट रिगार्डिंग डिफरेंस रिगार्डिंग सेक्स कलर रेस नेशन एंड रिलीजन। लेकिन बेटा डिफरेंस इंसान ने खुद पैदा किया। द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी इज ऑल्सो एन आइडिया, यस द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी दैट हैज कॉज्ड अ मैन हार्म टू मैनकाइंड। ये जो हमारे अंदर सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आ जाता है ना, मेरा स्टेटस ये, अब मैं गवर्नमेंट टीचर बन गई हूँ, वो तो प्राइवेट टीचर है, सही ठीक है, अब मैं तो एम फिल हूँ, वो फलाना तो मास्टर्स है और वो फलाना वो तो बी ए है, तो ये क्या होता है, दिस इज द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि नो वन इज ग्रेटर देन मी, नो वन इज मोर स्किलफुल देन मी। और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे हमें फील होता है, किसी को आप कोई बात समझाए ना वो कहते हैं मैं पहले से ये कर रहा हूँ, मैं पहले से ही बड़ा नहीं हूँ, दैट इज द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रसल सेज दैट इट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इन अमेरिका पीपल कंसीडर देमसेल्फ इक्वल टू दोज हु आर अबव टू देम। ठीक है, अमेरिका के अंदर लोग अपने आप को वैसे समझते हैं जो वन अप है उनसे, बट ऑन द अदर हैंड दे अगेन थिंक देमसेल्फ सुपीरियर टू द पीपल हु आर बिलो टू देयर लाइफ स्टैंडर्ड। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो अगेन अपने आप को सुपीरियर भी समझते हैं टू द पीपल हु आर बिलो टू देयर स्टैंडर्ड लाइफ, जो कि उनकी स्टैंडर्ड लाइफ से नीचे है। वो क्या उसका ये कहना है, क्योंकि वो खुद अमेरिकन था, उसने कहा कि अमेरिका के जो लोग हैं ना, हम क्या करते हैं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, एक आपको एग्जाम्पल दे, जो मिडिल क्लास बंदा होता है ना वो हमेशा अपने से वन आप को फॉलो करने की कोशिश करता है और उसके इक्वल अपने आप को कंसीडर करता है। ठीक है, और उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की तनख्वाह है कि वो सिर्फ एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को डाल सकता है, लेकिन उसको पता वो फलाना बच्चा जो है वो फलाने स्कूल में जाता है, तो वो कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह हमारे पास थोड़े और पैसे आ जाए तो वो वाले स्टैंडर्ड वाले स्कूल में डाल। तो हम क्या करते हैं, अपने स्टेटस से वन अप होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो और इसी तरीके से जो हमसे बिलो होते हैं, जो कि सेमी गवर्नमेंट की बजाय गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा अपने बंदा अपने बच्चे को डाल रहा होता है, हमारे लिए वो लोग ना होने के बराबर होते हैं। तो इन रशिया द प्रोलीटेरिएट हैज लेबर क्लास इमर्ज एज प्रिविलेज क्लास, और रशिया में ये जो प्रोलीटेरिएट हैज लेबर क्लास, ठीक है, प्रोलीटेरिएट जो है उनकी एक लेबर क्लास है जो इमर्ज हुई एज प्रिविलेज क्लास, जिसको एक प्रिविलेज, ये जो निचली क्लास थी जो कि लेबर क्लास थी, फिर उसको एक अपर क्लास, उसको प्रिविलेज मिला, एक प्रिविलेज क्लास बनी। रसल सेज दैट द सेम इज द मैटर ऑफ रिलीजन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ वन फेथ कंसीडर देमसेल्फ टू बी द ओनली क्लेमर्स ऑफ हेवन। हर रिलीजन ये समझता है कि भाई जन्नत में हमने ही जाना, यहूद ने कहा जन्नत में हम जाएंगे क्योंकि हम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कौम है, ईसाइयों ने कहा क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है इसलिए हम जन्नत में जाएंगे, मुसलमान भी यही कहते हैं क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शफाअत करनी है इसलिए हम जन्नत में चले जाएंगे। अमल तो आई नहीं किसी के अंदर। ठीक है, दैट
एवरी अदर मैन इज श्योरली डूम्ड।